कलीना के मनीपाड़ा इलाके से मैं राजीव कुमार बजाज फॉर दी आरकेबी शो अलॉन्ग विद एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार। और इस वक्त हमारे साथ हैं मनीपाड़ा के लोग, काफी त्रस्त हैं क्योंकि यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन हो रही है जी। और ये कंस्ट्रक्शन इस तरीके से हो रही है कि यहाँ पूरा का पूरा एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है। एज यू कैन सी द एंटायर एरिया इज ब्लॉक्ड। अब यहाँ जब बरसात होगी तो वाटर विल हैव नो प्लेस टू गो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मैं चाहूंगा सत्यदेव जी जरा मुड़ करके ये इलाका दिखाएं। जब बरसात होगी जो पानी यहाँ से बड़े आराम से निकलता था इस तरफ, वो अब इस तरफ नहीं निकलेगा, वो सारा का सारा पानी यहीं पर आ जाएगा। यानी यहाँ पर आपको कश्ती की जरूरत पड़ेगी। मुंबई शहर का कलीना का मानीपाड़ा जो है ये वेनिस बन जाएगा। प्रदीप जी, यस सर, सबसे बड़ा थ्रेट है कि कल्पतरु कंस्ट्रक्शन आने के बाद जो करीबन 200-300 घर जो कॉमन फैसिलिटीज इस्तेमाल करते थे, कल्पतरु कंस्ट्रक्शन ने उस कॉमन फैसिलिटीज को तोड़ दिया। दैट इज रॉन्ग, यू कांट डू इट। आपको पहले ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। आपका अगर टॉयलेट है या जो भी चीज है, यू हैव टू प्रोवाइड दैट फर्स्ट, यू कांट जस्ट डिमोलिश इट। मतलब इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता अभियान की ऐसी की तैसी कर दी। मतलब यही हुआ ना, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं, हर जगह पर टॉयलेट बनाया जाए, हर जगह शौचालय बनाया जाए, और ये हजरत जो हैं इन्होंने शौचालय तोड़ दिए। वेरी गुड, क्या बात है। और एक बार और बता दें, हम लोगों ने, प्रदीप जी ने और हमने सब ने आमंत्रित किया था, रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप लोग भी आए, जरा बताएं तो सही कि लोगों की यहाँ पर जो सिविक फैसिलिटीज थी उनको तोड़ने की आपको आवश्यकता क्या पड़ गई। Exactly. लेकिन कोई आया नहीं, कोई नहीं आया। सवेरे से लगातार हमने फोन कल्पतरु कंस्ट्रक्शंस को दे दिया, उनके जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन चीफ उनको व्हाट्सएप कर दिए, इन्फॉर्मेशन दे दे कि आपने कॉमन फैसिलिटीज तोड़ दिया है जो गरीब लोग के हैं। अब वो या तो आप रिपेयर करके दे, जो भी आपके क्या कहना है, आपके वर्जन क्या है, आप प्लीज आके दीजिए। दे अवॉइडेड, फोन उठाना बंद कर दिया और बोले कि हम लोग किसी को बेचते हैं, बट नोबडी हैज कम। राइट, आई होप समबडी कम्स। जी, लेकिन आप ये बताएं कि आखिर में ये लोग क्या क्या रहे हैं? आप लोगों की बात हुई इनसे? हम इनसे बात करना चाहते तो कोई बात करने के लिए सामने आते नहीं जी। इनके सब गुंडे लोग सामने आते और कॉन्ट्रेक्टर बोलते कि हम लोग की प्रॉपर्टी है। एक्चुअली 50-60 साल पुराना टॉयलेट था, 60 साल के ऊपर ज्यादा हो रहा है, 80 भी हो सकता है, 80 के आसपास हो सकता है। हमने इसके बारे में बीएमसी में आरटीआई डाला था, झोपड़पट्टी जो पुनर्वसन प्रकल्प होता है उसके अंदर आरटीआई वगैरह दिए थे। उन लोगों को हमने पूछा था कि ये जो कल्पतरु की जो जगह पे काम चालू है, ये टॉयलेट डिमोलिशन के लिए या तो फिर इसको कहाँ पे शिफ्टिंग देने के लिए आपके पास उसका कोई प्रपोजल है क्या? तो उन्होंने हमको उसके बारे में भी कोई आंसर दिया ना। हम लोग 2 साल से कम उसको परे कर ले, उसका भी हमारे पास लेटर है। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे बरसात होगी, तो पूरा का पूरा एरिया फ्लड होगा, क्योंकि इसका भी हाइट बढ़ चुका है, यहाँ से पानी नीचे जा रहा था, वहीं पे भी फ्लड होगा। इन्होंने लेटर सब दे दिए, आप बोलना चाहेंगे कुछ? जी जी, बताइए, जोर से बोले, बोलो या आप बोलिए। लेटर दिला है तो बोलो, लेटर दिला है। आम्ही लोकांनी लेटर दिलेला आहे, महाराला पण लेटर पाठवलेलं आहे, महाराला बीएमसी ला लेटर पाठवलं आहे की हे नाला मोठा करून द्या आणि पाणी इथं आलं नाही पाहिजे असं करून द्या आम्हाला इथे। जी, अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, यानी अभी तक कोई नहीं आया, पत्रकार ने कोई रिपोर्ट आने को। हम लोग तो आए हैं, हम लोग तो आए हैं। ये मैं चाहूंगा, एक मिनट, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमें मालूम है कि आप बड़े व्यस्त हैं इस वक्त चुनाव में, लेकिन फिर भी सत्यदेव जी इनकी तरह शक्ल दिखाएं। ये बड़ी त्रस्त हैं, बहुत परेशानी में हैं, इतनी परेशानी में जहां पर आप स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं वहां पर इन्हीं के जो सिविक फैसिलिटीज थे, इन्हीं के शौचालयों को सबको तोड़ दिया गया है। आज की तारीख में मुंबई शहर के बीचों बीच कलीना में मनीपाड़ा में दिस इज टेरेबल। अरे मैं तो हैरान हो गया हूँ, दिस इज शॉकिंग। 40,000 करोड़ का बजट जो बीएमसी के है, 40,000 करोड़ बीएमसी का बजट है, और आप देखोगे जहां भी ऐसे डेवलपमेंट होता है, द अफेक्टेड पीपल, आज जो गरीब से गरीब लोग हैं वो अफेक्टेड हो जाता है जी। आप आज हमारे सरकार का है कि हर व्यक्ति को घर होना चाहिए, हर व्यक्ति को स्वच्छता होना चाहिए, जो आपने बोला था, मगर यहाँ पर जो लेवल आप देखो, ये बिल्डिंग अगर इस तरफ आया तो पूरे के पूरे बरसात, 1 महीने के बाद बरसात आने वाला है सर, विद इन 1 मंथ, 1 महीने के बाद आप देखोगे इधर नदी बहेगा, पूरे घर में पानी जाता है।
अभी आया है, अभी नवगढ़ से दो बरस से वो था, वो भी कभी नहीं आया। अभी वो बेचारा बना है नया नया, तो वो करेगा तो क्या करेगा। लेकिन अभी प्रदीप जी और आप बाकी सब लोग भी जो भी बोलना चाहें जरा आगे आइए, जो बोलना चाहे मैं हर एक के बाद अपने आप नहीं आऊंगा, जिसको बोलना है बोलिए। आप ये बताएं, अभी अभी चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, अभी वोट मांगने लोग आए होंगे, हाथ जोड़ने को आए नहीं आए। पहले लेकर आए, कपिल सचिवालय आए, सब आए, खाली पेपर आए बीजेपी का, बाकी सब लोग ऐसे ही घूम गए चले गए। लेकिन ये दोस्त आपका ये 3-4 साल पुराना संन्यास है, नया नहीं है। राइट, सो सो प्रदीप, सो 60 साल पुराना, लेट्स वॉक, जो सोशल, चलिए आगे बढ़िए। आप लोग सर दूसरी बात, 2016 से हम लोग का लेटर चालू है जी, लेटर 18 में लोग भी फिर भी कुछ नहीं कर रहे। देखो 16 और 18 के टाइम का लेटर दिया हुआ है, उन लोगों ने कुछ भी हमको रिपोर्ट दिया नहीं है, सब लेटर है जी। उन्होंने नाउ द पॉइंट इज ना, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह बनती है कि आखिरकार देखिए जनाब, ऐसा है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही इशू नहीं है, सिर्फ शौचालय की बात नहीं है। हो सकता है कि इनकी नजर आपकी जमीन पर भी हो, कि आप परेशान हो करके ये छोड़ के चले जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्या आप छोड़ के जाने वाले हैं? आप संघर्ष करेंगे? आपने जो बोला, आप देखो कि ये कल्पतरु का कंस्ट्रक्शन है, ये इनका फेंसिंग हो गया है और ये छोटा सा रोड है जी। उनका नेक्स्ट टारगेट हो गया कि ये पूरे बस्ती जो है इस बस्ती को उजाड़ना जी। आप कॉमन सेंस की बात है, इनका प्रोजेक्ट हो गया, बहुत करीबन 2-3 एकड़ के जमीन पे इनका प्रोजेक्ट लगा हुआ है एंड जस्ट एडजॉइनिंग। ये रोड इतना भी बड़ा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हो, ये प्रोजेक्ट सैंक्शन भी नहीं होगा अगर ये रोड इतना छोटा है। तो नेक्स्ट टारगेट जो आप बोल रहे हैं वो सही है, ये पूरे बस्ती के बस्ती हम लोग उजाड़ने का। माय पॉइंट इज समथिंग डिफरेंट, मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आप इतनी बड़ी कंपनी है, आपका ना जाने कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है, 500 करोड़ का, 600 करोड़ का, 1000 करोड़ का, अरे यार उसमें क्या आप 10 या 15 लाख रुपए और स्पेंड करके एक नया टॉयलेट नहीं बना सकते थे? मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है ये, बताएं। ये लोगों की दादागिरी है और ये दादागिरी के साथ में ये लोग गुंडागिरी भी कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं और उसके बाद अगर कोई अकेले और लोगों को रास्ते में अकेला पकड़ के उनको धमकियां दे जाती है कि तू रास्ते में हमको दिखेगा बाहर तो हम तो छोड़ेंगे नहीं, तो लोग डर रहे हैं इनसे। अभी आप लोगों के माध्यम से अभी ये कुछ मदद मिल सकती है तो हम आपके साथ हैं जी। और ये चाचा आप कुछ बोल रहे थे, अपात्र क्या बोले, अपात्र कई लोगों को ये बिल्डर ने अपात्र बना के खाली करा दिया, तुम पात्र नहीं है। यहाँ शौचा दलाल बीच में मिल के मिला नहीं, उनको नहीं मिलेगा, सब नहीं मिलेगा। हर घर एक सपना, इनका कहना है कि हर व्यक्ति सरकार का कहना है कि हर घर, हर व्यक्ति को घर मिलना चाहिए एवरी, तो अपात्र का सिस्टम कहाँ पर आ गया? वो बोला कि इनके 43 के मामा की इनको अपात्र जी 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 बताएं। हाँ, अभी जो बिल्डर ने हम लोगों को सबको अपात्र किया है, हम लोग 20 लोग थे उनको सब अपात्र किए बहुत लोग, और हम लोग उनको खाली 15 लाख दे के यहाँ से भगा दिया जी। माय प्रॉब्लम इज दिस, मेरी समस्या यहाँ पर ये है, समस्या यहाँ पर ये है कि एक तरफ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब लोग गरीब लोगों की बात कर रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर इस प्रकार का अन्याय हो रहा है। मतलब ये क्या मतलब हुआ? हर व्यक्ति को घर मिलेगा, हर फैमिली को घर मिला, ये सरकार का दावा है। बोला हमारा सरकार रहे न रहे दूसरा सरकार। कांग्रेस का क्या है कि 500 स्क्वायर फीट गरीबों को देंगे, SRA में 500 स्क्वायर फीट, यानी हर चीज इलेक्शन के माध्यम से आप गरीबों के फायदे की बात करते हो और जब इलेक्शन बट दिस इज अ टॉयलेट हियर, ये तो अभी है, इधर दरवाजा बना दिया, इधर दरवाजा बंद कर देंगे ये लोग, तो लोग जाएंगे कहां पर?
ये जो था म्युनिसिपल, ये एग्जैक्टली ये टॉयलेट का पूरा जगह था, इसको इसको पूरा उन लोग तोड़ दिए। ये देखो मशीन उधर अभी भी है उनके वर्कर के लिए, वो राइट उनके वर्कर, या इनका कहना है कि देखो ये पूरा है कामगार लोग को बनाए वो संडस और हम लोग का संडस तोड़ दिया। अभी भट्टी का उधर आप आए ना, कैसा गटर है उधर भी बिल्डिंग बनता है नया, उधर भी नया बिल्डिंग हम लोग का जितना बाथरूम वो साइड में उधर ही बाथरूम हम लोग को चाहिए। So in other words, एक मिनट। So in other words, if they have done this, they could have made something else over here instead of just making it for their workers. लोगों के लिए भी बनाया जा सकता था अगर नियत साफ होती तो, लेकिन अभी भी बना सकते हैं, ऐसी क्या बात है, अभी भी बना सकते हैं, उसमें क्या है जी। पर आप देखोगे यहाँ पर इनका इनका जो इनका जो मेंटालिटी आप देखोगे, इसको पूरा फेंसिंग करने का इनका इरादा था। जैसे बड़े बड़े बोर्ड्स बनाए हैं, उस बोर्ड्स को यहाँ तक खींच के ले आई थिंक दे'ल डू इट इवन नाउ। इफ यू सी द बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो, जो बैकग्राउंड है, जो आयरन बीम जो बाहर निकले आयरन पिलर के, तो उसका क्लियर कट उसको कवर करके, ये पूरे फेंसिंग करके, बाउंड्री करके अपने हिस्से में डालने का पूरा प्लान इन्होंने किया। ये लोग जागरूक रहे, पुलिस को पुलिस का सहायता मांगा और आवाज उठाने के बाद पैसा खाया। हाँ, आवाज उठाने के बाद ये दिख रहा है कि ये कुछ नहीं हो रहा, ये रुका हुआ है। बट मेन चीज है एम्यूनिटीज ऑफ द पुअर पीपल, जो एम्यूनिटीज यू कैनॉट, ये सरकार की तरफ से था। 60 साल 70 साल से जो यहाँ पर एम्यूनिटीज है, उस एम्यूनिटीज को तोड़ा गया। अभी अगर उस तरफ हम लोग जाएंगे, आप देखेंगे वो पूरा एक डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है, इट्स लाइक अ हिल गोइंग डाउनवर्ड्स। सो इफ यू वॉक डाउन आप देखोगे देर इज नो 50 हजार करोड़ का जो बीएमसी का बजट है, वो कौन सा आप ये करो, कौन सा आप यहाँ पर एक गटर के नाला कनेक्ट नहीं किया, गरीबों के चीज को कंडीशंस ऑफ वर्क लिविंग इंप्रूव करने के लिए 2-3 करोड़ का पूरे बस्ती अगर खर्चा करते, पूरे बस्ती में पूरा क्लीननेस स्वच्छता आ जाता, क्लीननेस हो जाता, ये कनेक्टिविटी हो जाता, ड्रेन का कनेक्टिविटी हो जाता। प्रदीप जी, आप 1-2 करोड़ तो शायद कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ 10-15 लाख भी खर्चते तो भी काम हो जाता। वेरी फ्रेंकली, वेरी फ्रेंकली, आप देखोगे वहाँ पर अंदर एक नॉर्मल प्लेस में पूरा एरिया का ड्रेन रियली ड्रेन। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये टॉयलेट के खिलाफ हम लोग यहीं पे टॉयलेट चाहिए, हमारी मांग है। अगर नहीं होगा तो हम लोग रास्ता रोको करेंगे, या तो इसका काम बंद करना जरूरी है, क्योंकि इसका काम तो बंद ही करना पड़ेगा हमको। और सबसे बड़ी तो इन्होंने हमारे यहाँ पे सब एससी ओबीसी बैकवर्ड लोग रहते हैं, बैड लोग, तो हमारी मांग है, हमारी मांग है सरकार से, सरकार सुने, सरकार सरकार और पुलिस से हमारी मांग है, यहाँ पे सब बैकवर्ड लोग रहते हैं, तो इनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाए, ये हमारी पहली मांग है इनके ऊपर। कल्पतरु बिल्डर्स पे एट्रोसिटी एक्ट लगना जरूरी। सर इनका आरपीआई का एक ऑफिस भी था जिसको तोड़ दिया है। आप जिस प्रकार बहुत सारे जाड़े थे, इफ यू सी द लॉट ऑफ ट्रीज व्हिच वी हैव शोन दैट हैज बीन वेरी रैंडमली कट, उसको कट करके इन्होंने अपने बाउंड्रीज तैयार कर दी। आप पात्र पात्र के कुछ बात बोलो 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 पात्र पात्र के यहाँ पे जो फ्लैट भी जो बाउंड्री मारी गई, कम से कम 20-25 आदमी जो मर चुके हैं उनको अपहर जगह दलालों को राइट जी। ये यहाँ ये लोग ने बाहर के गुंडे मंगा कर इधर दादागिरी की बोध करते हैं। यहाँ जो हम जो आवाज उठाए गए थे तो वो बदन पे आते हैं, ये लोग अपने बाउंसर यहाँ पर खड़े करते हैं। और दूसरी बात, लेडीज भी बाउंसर खड़े कर देते हैं कि एक आध दो अगर लेडीज यहाँ पर आ गई
तो आगे उनके तीन चार बॉन्सर लेडीज खड़े रहते हैं और 10-12 उनके बॉन्सर जेंट्स खड़े रहते हैं। जी, जी, तो सबका जहाँ से तस का मस सबकी आवाजें बंद हो जाए। कॉमन सर कॉमन एमिनिटीज एक है, कॉमन एमिनिटीज इनको देना चाहिए। दूसरी तरफ उस तरफ जो पानी जा रहा है एक महीने के बाद जो पूरे के पूरे एरिया पानी में डूबेगा वो बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी दो तीन टाइम ऐसे ही हो गए जब मैं टॉयलेट बैठी थी तो जेंट्स आके उधर खड़े रह गए, उन लोग के जेंट्स आके खड़े रह गए तो हम लोग कैसे टॉयलेट करें? तो उसके लिए तो बाकी सबके साथ भी यही हुआ है। उनको मालूम है ये लेडीज टॉयलेट है, उन लोग ने म्युनिसिपैलिटी का काम भी बंद किया, उन लोग नए संडास बनाए थे ना, नए संडास बनाए रहे थे तो लेडीज लोग का काम भी बंद किया। उन लोग सिर्फ हम लोग के लिए दो संडास रखे उसने, तो दो संडास में हम लोग कैसे जाए? दिस इज अमेजिंग। एक मिनट सब चुप रहें। एक मिनट जरा आप इधर आइए। ये क्या बोला? एक मिनट। ये क्या बोला आपने कि बीएमसी के लोग आए थे यहाँ नए टॉयलेट्स बनाने के लिए और ये हजरत बिल्डर जो भी हैं ये इन्होंने उनको रोक धमका करके भगा दिया, बीएमसी को भगा दिया। इसलिए हम लोग को दो टॉयलेट के लिए इतने पब्लिक दो टॉयलेट करेंगे तो कैसे जाएंगे हम लोग? Never heard of such a thing. Ultimately एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ये पूरे एरिया परेशान होके यहाँ से भाग जाए और उनका जो एक्सपेंशन का जो दिमाग में है उस एक्सपेंशन में वो सफल रहे। अभी बरसात में पूरे बस्ती पानी में डूबने वाला है, इनको आपके एरिया जरा देख लेते हैं। चलिए आगे चलिए 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 आगे बढ़िए चलिए चलिए पूरा एरिया सर एक बार यहाँ पर आप नजर डाल दिए। चलिए साहब वहाँ पर जो दूध भी आता वो भी तोड़ दिया उन्होंने, वो झाड़ भी कट किया है वो भी देख लो आप। टॉयलेट अपने मजदूरों के लिए अपने लेबरों के लिए लगाया जी, मालूम है जी। राइट साइड में पूरे जगह है, दैट्स अ वर्जिन टेरिटरी फॉर एनी बिग बिल्डर जी। यू गॉट अराउंड 500 टेनमेंट्स, 500 टेनमेंट है, इट कैन कन्फाइन, इट वुड गो इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल एसआरए प्रोजेक्ट, जो एसआरए प्रोजेक्ट बन सकता है। या तो ये लोग को मनवाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, इनके कॉमन एमिनिटीज को पहले तोड़ दो, फोड़ दो, इनको तकलीफ पहुंचा दो, यानी खुद परेशान होके चले जाएं। या जो भी ये लोग ऑफर करें वो लेकर के चले जाएं। यस बिल्कुल वही चल रहा है अभी। सी दिस इज गोइंग टू गो, ये पूरे जो है इस तरह के बस्ती, ये बस्ती जाएगा, ये जो झाड़ काट दिया है, ये बहुत बहुत विहार को भी तोड़ दिया गया जी। चलिए क्या बात, तो इट शोज दैट इफ यू आर अ बिग बिल्डर आप क्या क्या कर सकते हैं मुंबई में। नहीं बड़े बिल्डर हो तो आपके पास पूरा, हमें तो इस बात पर ताज्जुब हो रहा है। और आप देख रहे हैं आरकेबी शो न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर, और याद रखें कि अकेला न्यूज वर्ल्ड इंडिया चैनल यहाँ पर आया और कोई नहीं आया आज तक। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर एक मिनट, सबसे अजीबोगरीब बात यह है जो इन्होंने बताया वो तो बड़ी शॉकिंग चीज है के बीएमसी के लोग आए इनको फैसिलिटीज दोबारा देने के लिए, वो भी तोड़ दिए, उनको तोड़ दिया, उनको भगा और उनको भगा दिया, उनको भगा दिया, उनको वाला किया। अभी सर ये रैम्पेंट आप देखोगे, एनी बिग बिल्डर जो एनेक्सेशन, दिस कैन नॉट हेल्प, नो वी आर नॉट ट्राइंग टू ब्लेम द पुलिस, हम पुलिस को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बट ये जो 20-25 बाउंसर्स को लेके आते हैं, अब यहाँ पर लेडीज बाउंसर्स हु आर स्टॉपिंग एंट्री ऑफ पुअर पीपल कमिंग इन दिस एरिया, रोकने के लिए लेडीज के बाउंसर्स इन्होंने इस्तेमाल कर दिए। नाउ दिस इज अ डेंजरस ट्रेंड, ये ट्रेंड है, बहुत डेंजरस है। अभी आप देखो ये दिस इज एन इंक्लाइन। मैं सत्यदेव जी मैं चाहूंगा कि आप जरा ये जमीन दिखाएं, ये जमीन की ढलान दिखाएं, ये ऊपर से लेकर के नीचे जाएगा। अब यहाँ जब बरसात होगी, एक मिनट, जब यहाँ बरसात होगी ये पानी सीधा अंदर जाएगा, इधर जाएगा पानी, ये सीधा अंदर पानी जाएगा और आगे पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं है जी। आइए, सबसे मेन थ्रेट यही है, यहाँ पर करीबन 500 कितने घर है शेख, कितने करीबन 500 घर है, ज्यादा 500 घर है। इफ यू टेक थोड़ा आप आगे जाओगे सर, थोड़ा आप आगे जाओगे यू फाइंड द एंटायर प्लेस सो इंक्लाइंड टुवर्ड्स द बॉटम,
पूरा आपने कहा आवाज पूरा एलिवेशन के साथ पूरे फुस में बात ना. माय पॉइंट इज दिस दैट द जेंटलमैन कंसर्न और द पीपल कंसर्न हु आर मेकिंग दिस बिल्डिंग दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल पीपल. ऐसी बात नहीं है, मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनकी इज्जत है वगैरह वगैरह वगैरह. वो अपनी इज्जत क्यों खराब कर रहे हैं ये काम करके, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है. सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जैसा मैंने कहा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पूरी सरकार ये कहती है स्वच्छता अभियान चलाओ, शौचालय बनाओ, शौचालय इस्तेमाल करो, और जो पुराने शौचालय थे उन्हीं को तोड़ दिया और नए बनाने नहीं दे रहे. This is terrible. This is not just terrible. In the way of poor. लोगों के जो गरीब से गरीब परिवार है उनके अंदर से सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा. सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा. नॉट ओनली जो एमिनिटीज, लेकिन प्रदीप जी, अरे प्रदीप जी और बाकी सबसे मैं जितने भी यहाँ पे लोग हैं सबसे पूछ रहा हूँ, अरे हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा. आदरणीय झोपले सारे यहाँ के लोग यहाँ के लोग भी दोगे सरकार. ये पहले बार आप इतने ये 5 साल में आप लोग ने हमको फोन किया, हम लोग तुरंत आ गए कल आप लोग. तो ये बोलिए सब काम हो गया, वोटिंग का पहले ये नहीं हुआ. जैसा कि वोटिंग हो गया हम लोग का टॉयलेट तोड़ दिया. चलिए कोई बात नहीं, अक्टूबर में दोबारा वोटिंग है तो देखते हैं. ऐसी क्या बात है, अभी लेडीज टॉयलेट के लिए कहाँ पे जाएंगे. पॉइंट इज जनमन वोटिंग बूथ पे जाके वोटिंग बूथ पे जी. एक मिनट प्रश्न सुने. प्रश्न ये है, यहाँ पर जो कुछ इन्होंने तोड़ा क्या आज से ही बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अभी से बनना चाहिए, फौरन बनना चाहिए. बिल्डर का काम नहीं होने देंगे, फौरन बनना चाहिए. आदरणीय अजय मेहता जी, बीएमसी कमिश्नर साहब, आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, इस ओर भी देखें, ये आपके लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, मुंबई के लोग हैं. बड़ी कृपा होगी कि आप नजर इस तरफ भी जरा थोड़ी सी नजरें इनायत करें ताकि इनका काम हो सके. और आज ही इसी वक्त जो कुछ यहां तोड़ा गया उसको दोबारा बनाइए, वरना स्थिति बहुत गंभीर है. गंभीर ही नहीं, दर्दनाक ही नहीं बहुत शर्मनाक है. और शर्मनाक किसके लिए है? आपके लिए है. ये शर्म आपको आनी चाहिए. यहाँ के लोगों को जो त्रस्त किया जा रहा है वो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती. सर, यहाँ के लोकल MP जो है पूनम महाजन है, संजय पोटली से शिवसेना MLA इलेक्टेड फ्रॉम हियर, DCP यहाँ के डिप्टी कमिश्नर पुलिस है मिस्टर कुंभारे, हम लोग आपके माध्यम से पुलिस हैज वेरी लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन हियर. सर लॉ एंड एसेंशियल फैसिलिटीज है, रोड ब्लॉक किया है, तो पुलिस कैन इंटरवीन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. आई मीन दे कैन डू इट. MPs कैन डिफर. सरकार पूनम महाजन BJP का सरकार है, शिवसेना का सरकार है. दोबारा बनना चाहिए और कुछ सुनने का नहीं. वापस चाहिए चाहिए चाहिए, मतलब आज ही चाहिए, आज ही. उनको नोटिस मारी है आज से काम चालू करने के लिए. पुलिस वाले भी उनके साथ में, पुलिस वाले ने पैसे का आज से काम नहीं चालू किया. हमको सैटरडे को क्या बोले थे कि सोमवार से काम चालू करेंगे. सोमवार हो गया. हाँ, गांधी जो उनका ऑफिसर है असिस्टेंट इंजीनियर, वो बोला कि मंडे से काम चालू हो जाएगा. मैंने उनके तो हो सकता है अभी वो चालू हो जाए, लंच के बाद हो जाएगा चालू. क्या है अभी तो उन्होंने पुलिस ने, इसका मतलब पुलिस ने भी पैसा खाया. होना तो चाहिए लेकिन अभी चालू होगा काम, वरना भूख हड़ताल होगी. आंदोलन बड़ा चालू होगा. और मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम लोग यहाँ वापस आएंगे, 4 दिन के बाद वापस आएंगे देखने के लिए कि काम शुरू हुआ कि नहीं. अंदर जाने का 4 दिन के बाद. अभी टॉयलेट दोबारा बनवाने का. बस दैट्स इट. दैट्स ऑल वी हैव गॉट फॉर यू फ्रॉम द RKB शो राइट हियर फ्रॉम मणिपाड़ा इन कलीना अलॉन्ग विद एडवोकेट प्रदीप नाम्बिया एंड द पीपल ऑफ मणिपाड़ा.
ये फैसिलिटीज जो तोड़ी गई, ये सुविधाएं जो तोड़ी गई, ये अभी चाहिए, फौरन चाहिए, वरना आंदोलन होगा। मैं उम्मीद करता हूं लोग इनकी बात सुन रहे हैं। क्या ये वापस चाहिए? आज ही चाहिए, अभी चाहिए, आज ही चाहिए। That's it. That's all we've got for you from the RKB show on News World India. We'll see you again tomorrow at 10:30 PM. Tab tak ke liye, namaskar.